जो पैसा जा रहा है बाहर और बाहर लोग खटने भी जा रहा है, तो भाई उसको बाहर न खटने जाना है ना उसका पैसा बाहर जाना है, यहीं पे खटना है पैसा, यहीं पर रखना है, यहीं का लोग खुशहाल होगा। यदि तेल में किसी प्रकार का मिलावट यदि मिल जाता है तो यदि कोई हमको प्रूफ कर दे तो ये ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं कि 1,00,000 रुपया जुर्माना हम देंगे। अभी हम गांव के जिस उद्योग को दिखा रहे हैं शायद आप भी देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या गांव में भी ये सब पॉसिबल हो सकता है। और यही वो बड़ी बड़ी मशीन है जिससे जो है तेल पेरा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार यादव है। ये कहाँ से सरसों कहाँ से आता है? सर सरसों मार्केट से समस्तीपुर बाजार है बगल में। हाँ, वहाँ से तो लाते हैं, होलसेल में समस्तीपुर यहीं पेरते हैं। और यहाँ पर अच्छा आपका अच्छा इधर दिखा दीजिए सरसों का, यहाँ पर देखिए जो बंडल सब है जो बोरा में बोरा सरसों भरा हुआ है। और इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर देख सकते हैं। यानी क्या खत्म होता है दूसरा गाड़ी हम यहाँ ला के रखते हैं, जैसे ये खत्म हुआ दूसरा तैयार रहता है। और ये काम होता है। हाँ बराबर, ये इसीलिए हम डबल मशीन लगा के रखे हुए हैं। ये भी सरसों पे तेल की मशीन है। और ये भी ये अत्याधुनिक मशीन है। हाँ। अभी जो करंट में जो लॉन्च किया गया है। हाँ। तो इसके द्वारा जो है सो तेल का पेराई होता है, तो इसमें थोड़ा कुछ अलग गुणवत्ता है। ये पापड़ जैसे होता है इसका खल। हाँ और आप लोग जानते होंगे कि जब सरसों को पेरा जाता है तेल निकलता है। और इस मशीन में जो पहले निकलता था थोड़ा मोटा खल निकलता था, तो इस मशीन की अपेक्षा इस मशीन में 5 ज्यादा अच्छा कौन है ये? और ये सुपर ये हो गया क्योंकि ये कोल्ड प्रेस मशीन है। अच्छा। इसका जो तेल निकलता है ना तो ये बिल्कुल ठंडा रहता है। जो पैसा जा रहा है बाहर और बाहर लोग खटने भी जा रहा है, तो भाई उसको बाहर न खटने जाना है ना उसका पैसा बाहर जाना है, यहीं पे खटना है पैसा, यहीं पर रखना है, यहीं का लोग खुशहाल होगा। अच्छा। जब यहाँ सब कुछ रहेगा तो यहीं खुशहाल होगा ना। ये बताइए तेल आपका शुद्ध है, मतलब इसकी गारंटी आप देते हैं? यदि तेल में किसी प्रकार का मिलावट यदि मिल जाता है तो यदि कोई हमको प्रूफ कर दे तो ये ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं कि 1,00,000 रुपया जुर्माना हम देंगे। हम बताइए इनके तेल में, इनका कहना है यादव जी का कि अगर इनके तेल में थोड़ा सा भी मिलावट लगे तो 1,00,000 रुपया जुर्माना भरने को तैयार हैं। हमको उद्योग विभाग से PMFME के तहत जो है सो उद्योग विभाग से सपोर्ट भी मिला है और ये फूड लाइसेंस भी मिल गया है, मार्केटिंग करने का सब कुछ हमको मिल गया है। अब रेपर अभी नहीं, ये नहीं सोचा। अच्छा थोड़ा आपने ये नहीं सोचा कि 25,00,000 का जो है से लगा देंगे लागत, कहीं नुकसान हो तो? अब सर डर के काम कीजिएगा सर, तो क्या है फिर रिस्क कौन चीज में नहीं है? यदि जिंदगी में जिंदगी जीना ही रिस्क है तो रिस्क क्यों नहीं लेंगे? रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखिए जैसे ये हो गया, अब हम जो है सो ये रेपर भी मेरा आ गया है, ये मेरा रेपर आ गया। हाँ अभी प्रिंट नहीं हुआ है, प्रिंट आके तो बोतल में रेपर भी लग जाएगा ये। अच्छा ये बताइए कि सरसों का तेल बाहर में कितने रुपए लीटर मिलता है और आप कैसे देंगे? देखिए बाहर का जो तेल है जो लोग सरसों तेल के नाम पर तेल बेचता है वो तो मेरे हिसाब से तेल है ही नहीं। अच्छा। तो 100 रुपये में भी दे देता है। अच्छा। 120 का है, 30 का भी, 40 का भी है, तो उस तेल का इस तेल से तुलना कीजिएगा तो कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि हम 220 रुपये देते हैं। अच्छा, 220 रुपये लीटर हम बेचते हैं, मतलब शुद्ध है, इसीलिए पूरा पेर के फिल्टर करके 220 रुपये लीटर हम देते हैं। अच्छा। मार्केट में 120, 30, 40 में भी मिल जाता है। अच्छा, खुदरा में देते हैं या फिर होलसेल दोनों? होलसेल खुदरा दोनों बिकता है, तो ये हम खुदरा का रेट बताएं। मतलब घर पे मंगवाना चाहे तो क्या कितना भेजेंगे? हम भेज देंगे 5 लीटर तक, 20 किलोमीटर के दायरा में चलता है सब कुछ। लड़का रखे हैं, मुढ़ी मिल का पीछे देखे हैं और पीछे भी बहुत लगाए हैं और सब, तो मुढ़ी मिल पीछे लगाए हैं। इसमें ये फाइबर युक्त का मशीन है, ये जो गेहूं है ना, तो जैसे मार्केट का गेहूं का आटा होता है तो उसका चोकर छिलका उतारा हुआ होता है जो मवेशी के लोग खिलाता है और मैदा खाता है आदमी जो पाचन तंत्र में काम नहीं करता है, तो उसको देखते हुए हमने ये फाइबर युक्त आटा मशीन लगाया है। मतलब छिलका भी इसके अंदर रहेगा? इसी के अंदर रहेगा, फाइबर से भरपूर रहेगा आटा। तेल, मसाला, आटा, बेसन, सत्तू, मुढ़ी, इतना का मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट कर दिए हैं, इतना पे काम मेरा जारी है। इसमें सबसे अधिक सेल जो हो रहा है मेरे पास, अभी बोलिएगा कि सेल कौन चीज़ का ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा तेल का सेल है अभी, इस सब का उतना सेल नहीं है, लेकिन इस सब ही हम बाकी सारा जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तैयार कर रहे हैं वो सब ओरिजिनल है? मतलब ओरिजिनल जो भी प्रोडक्ट मेरे पास मिलेगा वो अपने हाथ से तैयार किया हुआ। हाँ, बस हाँ, रॉ मटेरियल यानी जो भी चीज आपको लेना हो चाहे वो तेल हो, मुरही हो, मसाला हो, आटा हो, आटा कैसे बेचते हैं? मतलब आटा अभी 35 रुपये किलो हम दे रहे हैं यहाँ से। अच्छा, 35 फाइबर युक्त आटा 35 रुपये केजी यहाँ से हम दे रहे हैं। अच्छा, होम डिलीवरी की भी सुविधा? हाँ, होम डिलीवरी का भी सुविधा है, आदमी रखे हैं, पहुँचा देता है लड़का सब है। हाँ, लड़की तेल पर ज्यादा आपका ध्यान है कि तेल? मेरा ध्यान इसलिए ज्यादा है क्योंकि तेल से ही बहुत ज्यादा समस्या है। एक बात बताइए, सरसों जो पेरते हैं 1 लीटर तेल
निकालने के लिए कितना सरसों कितना किलो लगता है? एक लीटर तेल निकालने के लिए 3 केजी सरसों का जरूरी पड़ता है। सरसों कितने रुपए केजी लाते हैं? सरसों जो है सो हम लाते हैं 70, 75, 72 इसका रेंज रहता है मेरा। अच्छा, तो हाँ तो हम जो है सो 70, 75, 72 का लाते हैं। तो हम सीधा सिंपल सी रेट रखे हैं कि जो तेल सरसों खरीद के लाते हैं उसका दाम में हम तेल बेच दिए और बाद में कि जो खल बचा उसमें लेबर मेंटेनेंस सारा अपना खर्चा सब कुछ उसमें मेंटेन हो गया। बस लो परसेंट पे मार्जिन पे हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मधुबनी जिला में मिथिला में जो है इस तरह का उद्योग लगता हुआ जा रहा है, गांव भी कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है, कहीं ना कहीं कई लोग रोजगार भी पाए हैं आपके यहाँ। मेरे यहाँ ऐसे इससे पहले तेल मिल नहीं भी लगाए थे तो उधर और कारोबार था, उसमें 10 आदमी को हम रोजगार दिए थे। अब ये मिल सब लगा लिए तो समझिए 20 आदमी को रोजगार मिले। ये कितनी अच्छी बात है, 20 लोग रोजगार भी पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इसी से जो है डेवलप करेगा बिहार। और ये जो है खासकर जो प्रोडक्ट है इनका, इनका कहना है कि खुद से तैयार करते हैं, मार्केट से सरसों लाते हैं, पेरते हैं। ये फिल्टर है सामने, इधर देखिएगा थोड़ा, ये तेल से पेराई इसमें करते हैं, फिर ड्राम में डालते हैं, फिर फिल्टर होके फिल्टर से निकाल करके फिर जो है सारा प्रोसेस चलता है। प्रोसेस चलता है। ये पता एक बार बता दीजिए यहाँ का। ये पता है, ये पड़ता है क्या, बीसपी ब्लॉक में पड़ता है, ये सुहास पंचायत केरवार गाँव डंका गाछी चौक पर है।